बेलीपार थाना क्षेत्र के सियर स्थित टोल प्लाजा के पास से रविवार को गश्त के दौरान बेलीपार पुलिस ने एक अदद देसी तमंचा 315 बोर तथा 5 जिंदा कारतूस के साथ क्षेत्र के 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बेलीपार थाने के उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता, मैं हमरा, हेड कांस्टेबल भीम चौधरी, कांस्टेबल प्रतीक यादव, कांस्टेबल रितेश बैंसवार के साथ क्षेत्र के मामूर थे कि ग्राम डवरपार सियर टोल प्लाजा के पास बेलीपार थाना क्षेत्र के 3 युवक संगम यादव पुत्र वकील यादव निवासी 4 पानी धसकी दाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, साद शेख पुत्र वसीम शेख निवासी बेलीपार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, खूब खान पुत्र अफजल खान निवासी बेलीपार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर में 5 अदद जिंदा कारतूस, एक अदद ग्लास, एक अदद पेचकस, एक अदद सुम्मी, एक अदद छोटी टार्च की बरामदगी व गिरफ्तारी की गई, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, कल बेलीपार थाने में संगम यादव साथ से वकील खान को चोरी के उपकरणों के साथ में और एक तमंचे के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल में